युद्ध के मैदान में दुश्मन को कमज़ोर समझना ही उसका हार का कारण है। इसलिए कि अगर आप दुश्मन को कमज़ोर समझते हैं तो आप उतना उत्साह में नहीं लड़ेंगे, इसलिए आपको पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और रह गई बात कार्यकर्ता लड़ता है किसी पार्टी का, प्रत्याशी नहीं लड़ता ये। और हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी के विरोध नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे किसी के विरोध बोलने से उचित नहीं होगा। और कौन किसको जानता है ये समय बताएगा। ये अगर बीजेपी बहुत कमज़ोर होती और 14 के चुनाव में भी बहुत बम्फर ले गए, 19 के चुनाव में भी उसका बम्फर था, और इस समय जो देखा जा रहा है माहौल जो देखा जा रहा है, अभी ये 12 के बाद इन लोगों की रैलियाँ शुरू होने जा रही है और उनकी रैलियाँ कई जिलों में हो चुकी है। और इन बीजेपी के पक्ष में अधिकांश जनता बोलती है और इसलिए बोलती है कि राष्ट्रहित देश हित की न्याय है और उनके लिए कोई मुद्दा है और विपक्ष अभी कोई मजबूत मुद्दा नहीं दे पाए हैं लोग। बीजेपी का कार्यकर्ता जो है मजबूती से बोलने की कला जानता है, पैसा किसके जेब से निकल रहा है, अफजाल जी किसके थे, अतीक जी किसके थे, और कांग्रेस का 400 करोड़ का घोटाला किसके पार्टी का था, ये सब अभी कुछ दिन पहले 4 महीना पहले अखिलेश जो है कांग्रेस को बड़ा खोरी खूटी सुना रहे थे, एक हो गए आज अच्छे हो गए। यही केजरीवाल का सब लोग समर्थन करें कि बीजेपी ने नहीं केजरीवाल को जेल में डाला है, वहाँ कोर्ट के आदेशों के अनुसार वो जेल में गया है। यहाँ जो है किसी को गलत बनाने से नहीं होगा, कोर्ट जो है पार्टी नहीं चलाती, हम बनाकर नहीं कर रहे। रही बात उनके परिवार ए ग्रेड के थे, लड़ाई में काम किए हैं और बहुत बढ़िया जिले के लिए उन्होंने। इस बार क्या वोटरों को साथ पाएंगे, पलड़ा किसका भारी रहेगा अगर गाजीपुर के लोकसभा चुनाव की बात करें? देखिए अभी तो समझ में पूरा नहीं आ रहा है कौन विजेता होगा कौन क्या होगा, कुछ दिन के बाद जब दोनों पार्टियां निकलेंगी रनिंग करेंगी तो समझ